नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल बाबू इलेक्ट्रिक 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं गर्मियों के सामान की पूरी लिस्ट, जिसमें भाग एक में मैं आपको जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यह सामान आपको बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं क्या काम आएगा या क्या काम आता है, इसको रिपेयर कैसे करें, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो है बहुत मज़ेदार होने वाली है। जो भी मित्र हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, YouTube चैनल से जुड़ने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा गर्मियों के सामान की लिस्ट बताऊँगा हिंदी में, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये आइटम मैं आज की वीडियो में बताऊंगा क्या क्या काम आता है, क्या क्या इसके नाम है, कौन कौन से उपकरण में काम आता है गर्मियों में, तो वो सब चीज़ इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना ना भूलें। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला, आप सोच रहे होंगे बटन है, लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि ये है रेगुलेटर। हाँ दोस्तों, फर्राटा जो पंखा आता है उसका यह है रेगुलेटर है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग मतलब इनकी पूरी जानकारी के साथ साथ इनकी प्राइस बताऊंगा, आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, जो आपको ऐसा दिख रहा होगा ये है फर्राटा जो पंखा होता है उसके उसका रेगुलेटर है, जिसमें आपको दिख रहा होगा ऑन ऑन और तीर का निशान दिख रहा होगा और हाई ऑन हाई ऑन हाई लिख रखा है, फिर इसमें लिख रखा है स्लो स्लो करने के लिए, और ये जी ई आई जो लिख रखा है इसमें, और ऑफ ऑफ का निशान ही रहा, मतलब जो तीर का निशान है अगर तीर का निशान या ऑफ कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा, मतलब आप ऐसा कर देगा जिसमें आपको बता रहा हूँ ये ऑफ हो जाएगा, तीर का निशान जिस दिशा में होगा वह जहाँ पर ऑफ लिख रहेगा तो ऑफ हो गया, यहाँ पर ऑन हो जाएगा, तीर का निशान अगर यहाँ होगा स्लो। तो कुछ प्रकार से इसके कनेक्शन भी तीन पॉइंट है, जिसमें 250 वोल्ट वगैरह इसमें दिए हुए हैं, और नमन कंपनी का है, इसमें नमन कंपनी इसमें लिख रखा है, और इसमें पीछे भी लिख रखा है एच मतलब हाई, एल मतलब लिख रखा आप आपको स्लो, और मीडियम वगैरह इसमें लिखे हुए हैं, तीन पॉइंट है। अब दोस्तों, अगला है ये भी रेगुलेटर है, ये भी फर्राटा पंखे का है, ये चौकोर साइज में है और ये है गोल साइज में, गोल साइज में लगता है, जिसमें ऑफ लिख रखा है, ऑन हाई और स्लो स्लो इसमें लिख रखा है, तो तीर का निशान की जगह इसमें ये दिया हुआ है, और पीछे तीन पॉइंट है वही, और ये अलग कंपनी का परफेक्ट कंपनी का है, आपको दिख रहा होगा 6 वोल्ट 250 वोल्ट, और सारे आपको दिख रहा हो कुछ प्रकार से जो भी है ये रेगुलेटर है। तो आपको क्योंकि ज़रूरत पड़ती है गर्मियों में ख़राब हो जाता है। तो अगला है दोस्तों ये वाला, ये भी रेगुलेटर है। हाँ दोस्तों, ये भी रेगुलेटर है, और ये पंखों में जो कूलर होता है खेतान का उसमें काम में आता है, पहले के जो कूलर आते हैं उसमें ये वाला काम में आता है रेगुलेटर, जिसमें तीर का निशान आपको इस प्रकार दिख रहा होगा, इसको मैं खोल के बता रहा हूँ किस प्रकार से कनेक्शन है इसमें। तो दोस्तों, जो मैंने रेगुलेटर बताया था फर्राटा पंखा का, इसकी मार्केट में रेट है 15 रुपये, आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। अब दोस्तों, इसको मैंने खोल लिया, तो इसमें चार पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा चार पॉइंट है, जिसमें लिख भी रखा है इसमें ब्लैक वाइट रेड और ब्लू, इसमें वायर के कलर भी दिख रहे होंगे, वाइट कलर का वायर यहाँ लगेगा, रेड कलर का यहाँ लगेगा, और पिंक और ब्लू रंग का वायर यहाँ लगेगा, ब्लैक रंग का वायर यहाँ लगेगा। इसका कनेक्शन आपको अगर करना है तो इसमें तार के जो कलर है वो दिए हुए हैं, ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अब दोस्तों, अगले आइटम की तरफ चलते हैं, ये क्या है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आखिर यह है क्या, तो आपको मैं बता दूँ, अगर आप सीलिंग फ़ैन ख़रीदते हो तो सीलिंग फ़ैन के साथ ये आता है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, जो सीलिंग फ़ैन आता है उसको लटकाने के लिए काम में आता है, लटकाने का काम में आता है, जो कड़ा होता है और जो नली टाइप में होती है उसकी, जैसे फुट के हिसाब से आती है। जैसे मैं आपको सीलिंग फ़ैन बता देता हूँ, सीलिंग फ़ैन आपको दिख रहा होगा, तो उसमें ऊपर की साइड ऊपर जो कड़ा होता है उसमें नीचे साइड में ये लगती है, और इसमें फिर ये जो
तो दोस्तों इसकी जो मार्केट में रेट है वो 15 रुपये है, आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। जो कड़ा होता है जहाँ पर जो सीलिंग फ़ैन लटकाते हैं जिसे फ़ैन बॉक्स कहते हैं, उसमें ऊपर ही ऊपर ये लगता है और इसके माध्यम से पंखा है वो लटकता है। आपको मैं बता दूं तो पंखा इसके माध्यम से लटकता है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये आपको दिख रहा होगा ये नली टाइप में है जिसमें 1, 2, 3, 4 नली है और ये बीच नीचे है जो पेच कसने का है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कूलर के जो मध्य भाग में लगता है, मतलब मेन पॉइंट में लगता है, बीच में जहाँ से ये ऐसे लगता है, ये ऐसे लगता है। नीचे की नली तो मोटर में लग जाएगी और बगल में जो टाटी होती है, खिड़की होती है, उसमें लगेगी तीन तरह की। और नीचे ये वाला जो पॉइंट है ये लगेगा मोटर में। तो दोस्तों इसे वैसे टी बोलते हैं और इसकी मार्केट में रेट है 7 रुपये और आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। अगला है ये आपको दिख रहा होगा एल टाइप का है, आपको दिख रहा होगा एल टाइप का है, ये भी कूलर में लगता है। कूलर में ये नली लगेगी साइड की, तो टाटियों में पानी जो होता है मोटर में से वो निकलता है, तो ऐसे लगता है ये एक कोने में, एक कोने में, एक कोने में, ऐसे चार लगते हैं। और फिर ये अगला आइटम है ये, तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूँ सीलिंग फैन होता है, उसमें लगता है ये कंडेंसर लगता है, कैपेसिटर लगता है इसके गोल के अंदर, और कैपेसिटर यहाँ तक लगता है, इसे डांटने का रोकने का जुगाड़ है। और वैसे कनेक्शन प्लेट भी इसमें दी हुई है कनेक्शन करने की, आपको दिख रहा हो कुछ प्रकार से कनेक्शन और एक कैपेसिटर यहाँ पर लगता। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो मिलती रहती है, आगे भी आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक लेके, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।